हेलो साथियों, पहला वर्ड है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक मतलब कॉन्ट्राइट। अपोलोजेटिक मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राइट। रिपेंटेंस मतलब क्या होता है? पछतावा। रिपेंटेंस मतलब क्या होता है? पछतावा। तो इसका मतलब इस सेंस क्षमा मांगना, क्या करना? क्षमा मांगना, अपोलोजाइज करना, यानी कंट्राइट करना, क्षमा मांगना। अगला मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी मतलब होता है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकारी। मैग्नेनिमिटी मतलब क्या होता है? परोपकारी। अल्ट्रीज, अल्ट्रीज मतलब क्या होता है? जो मानव जाति से उदार दिल वाला, तो इसका क्या हो जाएगा? परोपकारी, उदार दिल वाला। जो क्या, कैसा दिल? जिसका क्या मतलब उदार हो। अगला है क्वेंड्री। क्वेंड्री मतलब होता है व्याकुलता, आशंका। क्या होता है? व्याकुल, आशंका, घबराहट, मतलब शंका है किसी चीज़ को लेकर। तो इम्पासे मतलब भी क्या हो जाएगा? वही उसी सेंस में चल जाएगा, मतलब शंका है, शंका, घबराहट, परेशानी, बेचैन, बेचैनी। इसका मतलब क्या होता है? माफी, माफी। इसमें क्या होता है? उदारता, परोपकारी। अगला क्या साथी हो? लैगार्ड। लैगार्ड मतलब क्या होता है? सुस्त, आलसी, स्लगिस, लेथार्जिक। लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब क्या होता है? आलसी। सैक्रिलेज मतलब होता है किसी पवित्र चीज को क्या करना? गंदा करना। जिस किसी पवित्र चीज को क्या करना? गंदा करना, ब्लेस्फेमी। स्लिक मतलब होता है चालाक, क्लेवर। स्लिक मतलब क्या होता है? चालाक, क्लेवर। थी और क्या बोल सकते हैं? धु चालाक जो व्यक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? स्लिक। तो स्लिक मतलब क्या हो गया? चालाक। अगला है पोंडरस। पोंडरस मतलब क्या होता है? कष्टल, कष्ट, बोझिल। पोंडरस, कष्ट, बोझिल, कष्ट में है, वजनदार है, वजनी बोल सकते हैं। तो हेवी मतलब भारी। हेवी मतलब क्या होता है? भारी। अगला रेडिकुल। रेडिकुल मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। तो मौकरी, मौकरी मतलब क्या होता है? किसी का उपहास उड़ाना। क्या करना? ट्रॉन्ट, TRAUNT। ट्रॉन्ट मतलब भी क्या होता है? उपहास उड़ाना। किसी का उपहास उड़ाते हैं उसको बोलते हैं टोरंट है। तो अगला इसका हो जाएगा मॉकरी, उपहास उड़ाना। अगला ईगर्ली। ईगर्ली मतलब क्या होता है? उत्सुकता, उत्सुक है। तो एविडली, एविडली मतलब भी क्या होता है? उत्सुक। जो उत्सुक, उत्सुक से लगाव है। अलग गैलीवेंट, गैलीवेंट मतलब होता है खलवाड़ करना, यानी खिलवाड़ करना, प्रेम संपादन करना। गैलीवेंट मतलब क्या होता है? आवारगर्दी करना, आवारगर्दी करना, मोहब्बत करना। गैलीवेंट मतलब क्या होता है? गैलीवेंट मतलब मोहब्बत करना।
तो गैलवेंट का मतलब क्या होता है, वो भूलू भुलैया। देखिए चक्कर आना होता है इसका मतलब, MENDER, मेंडेर मतलब चक्कर आना, भूल भुलैया गुलाब, तो इसका हो जाएगा अगला ग्लीब। ग्लीब मतलब क्या होता है, फिसलदार, मतलब ग्लीब जो फिसलता आसानी से, करने का मतलब इजी है, चिकना चिकना है, धारा प्रवाह है, फ्री है, तो इजी है ग्लीब मतलब। अगला देखिए एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब क्या होता है, चिंतित, बेचैन, अप्रिहेंसिव। अप्रिहेंसिव हो जाएगा क्या, इसका साइनोनियम हो जाएगा। अप्रिहेंसिव मतलब क्या होगा, चिंतित होना किसी बात को लेकर। अगला है इंस्टिगेट, तो इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, क्या करना, किसी को भड़काना यानी रेस करना, भड़काना, ठीक है। इसका मतलब क्या बताए थे, इसका मतलब चिंतित बताए थे, बेचैनी। तो इंस्टिगेट मतलब क्या करना, भड़काना। अगला क्या है साथियों, बीम सिकल, बीम सिकल मतलब होता है सन की, क्या होता है बीम सिकल मतलब, WHIMSICL मतलब सन की, झीझी, इसेंट्रिक बोल सकते हैं, फनी, सन की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फनी। अगला कैलिब्रेट, कैलिब्रेट मतलब क्या होता है, CALIBRAT, कैलिब्रेट मतलब जांच करना, ठीक करना। गॉज मतलब क्या होगा, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। कैलिब्रेट मतलब जांचता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करना। अगला इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब क्या होता है, जो सनकी होता है, अजीबो गरीब होता है, तो आइडियो सैनिक्राइटिक। डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब होता है निवास स्थान, तो होम हो जाएगा, जिसे बोलते हैं ना हम अपना अपना सब डोमिसाइल बनाए नहीं है। अगला है जेड, JEDRD, जेड मतलब होता है क्या चीज, जेड मतलब क्या होता है, JEDRED, इसका मतलब किसी का क्या करना, जाड़ करना, घबराहट का शब्द हुआ, झगड़ा करना, और क्या करना, हिंसा करना, अल्टरकेटेड करना। मतलब ब्लेसफेमिस मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब अनादर करना, ब्लेसफेमी करना, ईश्वरीय निंदा करना। एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, क्षमता। सिंपल मतलब सरल, तो एलिमेंट्री मतलब बेसिक, आधारभूत, बेसिक, आधारभूत। बिगरस, बिगरस मतलब क्या होता है, ऊर्जावान। बिगरस मतलब क्या होता है, जोरदार, जो क्या, जोशीला हो, फुर्तीला हो, ऊर्जावान हो, तो स्ट्रेनियस हो जाएगा, क्या होता है इसका मतलब, जोशीला, फुर्तीला, ऊर्जावान, ये सारे इसका क्या होगा, बर्ड मीनिंग होगा। अगला कंसाइंटियस मतलब ईमानदार, क्या होगा, ईमानदार। राय, अपराइट मतलब ईमानदार। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। अगला एडेसियस,
एडेसियस मतलब ग्लूटंस, एडेसियस मतलब क्या होता, लोभी। एडेसियस मतलब क्या होता, लोभी। पेट टू ग्लूटन क्या होता है, जो ज़्यादा खाता हो लो, तो ग्लूटन्स वही होगा जो क्या करता हो, ज़्यादा खाता हो, मतलब लालची हो, जो खाने में शौकीन हो, उसको बोलते हैं। अगला है सैबोटर। सैबोटर मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना, तो हैंडल हो जाएगा। ऑब्लिवियस मतलब अनजान, अनजान। इग्नोरेंट क्या हो जाएगा, इग्नोरेंट। अगला है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता, दुश्मनी, एनिमी। फेरोसियस मतलब उग्र, फ्राइटफुल, जैसे फेरोसियस। फेरोसियस मतलब क्रूर, फेरोसियस मतलब क्या होता है, क्रूर, भयंकर, जो क्या हो, निर्दयी हो, तो फ्राइटफुल हो जाएगा। ठीक है, बैगर। अब बैगर, बैगर मतलब क्या करना, बैगर मतलब किसी को दाब करना, बाजी, बाजी करना, कंडीशन देना, बैगर, तो गैम्बल। बैगर मतलब क्या होता है, दाब, बाजी, शर्त, दाब करना। पैसिफाई मतलब शांत, पीस, काम। मोलिफाई, वैसिलिटेट। वैसिलिटेट मतलब क्या होगा, वैसिल, संदेह करना, यानी डॉट करना, क्या करना, झूलना। हेसिटेट, हेसिटेट मतलब हिचकिचाना, झूलना। जेनियल, जेनियल मतलब फ्रेंडली, मित्रता, तो कन्वाइवियल, CONVIVIL। वॉल्ट, वॉल्ट तो क्रिप्ट। वॉल्ट का सिनोनिम क्या होगा, क्रिप्ट, CRYPT। तो वॉल्ट का सिनोनिम क्या होगा, याद रखिएगा, क्रिप्ट। तो वॉल्ट मतलब मेहराब, मतलब गुम्बद, मेहराबदार छत्र, उसको बोलते हैं। तो क्रिप्ट होगा। डैंडी मतलब फैशन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। डैंडी मतलब फैशन करने का लत, उसको बोलते हैं। अल हैबिटेंट्स मतलब निवासी, हैबिटेट, HABITAT। हैबिटेट मतलब होता है प्राकृतिक आवास। कैजुअल, कैजुअल मतलब बहलाना, फुसलाना, परस्युएड करना। मैलिंग, MALIGN, मैलिंग मतलब क्या होता है, एक होता है मैलिन मतलब गंदा, दुष्ट है, तो यहाँ बेलफुल, दुष्ट हो गया। जेब, जेब मतलब क्या होता है, क्यूब करना, जेब मतलब क्यूब। फोर्टिट्यूड मतलब ग्रेट, फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, ऐसे जेब का जो ही मीनिंग होता है, देना, जेब मतलब देना। फोर्टिट्यूड मजबूत, फोर्टिट्यूड। धैर्य रखना, साहस रखना। अलग कैगिनेस, कैगिनेस मतलब गुल्लीफुलनेस, CAGINES। इसका क्या होगा, गुल्लीफुलनेस। क्वैल, क्वैल मतलब क्रिंज, QUAIL, क्रिंज, CRINGE। मतलब ऑब्लिक्यूटी मतलब ओपेसिटी, ओपेक्यू, तो आरशेन। ओपेक्यू मतलब जिससे लाइट पार नहीं होता। लेविटेट मतलब फ्लॉट, फ्लॉट मतलब तैरना। फैब्रिकेट
कनकॉट, अवेंडमेंट, तो डेरेलिक्शन, नेसेंस, तो इंसिपियंस, नार्क, तो इरिटेट, रेमेडी, रामबान, पनेसिया, अनवाइस, बिना पक्षपात, कैंडिड, फ्रैंक, बिना पक्षपात के, पक्षपात बिना पक्ष के, एलेक्सियल, चर्कली, CHURCKLY, ड्रेरी, ड्रेरी मतलब क्या होता है, डल डल, ड्रेरी, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब इंटरमिटेंट, सेपलेस, अमॉर्फस, नॉट डिफरेंट, नॉट डिफिनिट सेप, एटिन्यू तो असिमिलेज, ऑब्लिगेशन तो इम्परविटिव अनिवार्य, फैडिस तो फैशनेबल, डिप्रेस तो डॉलफुल, मेलनकोली, सैड, ग्लूमी, थ्रिफ्टी तो प्रूडेंट, विवेकी कम खर्च करता, एलुसिडेट एक्सप्लिसिट, क्रैवन क्वार्टरली, जेजून तो ड्रैब मूर्ख ड्रैब, बड्डी 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 मतलब क्या होता है, रस दुबला बोल सकते हैं, जेजून, बड्डी, एसोसिएट, फ्रेंड, लायर, लायर मतलब क्या होता है, कंसीलमेंट, बैलो, बैलो मतलब फ्लॉन्डर, FLOUNDER, फैमिन मतलब सूखा, ड्राउट सूखा, बोगस मतलब फॉल्स मतलब गलत, सॉर फ्लाई, करेक्टिव होना, रेस्टोरेटिव, फैड तो सेंसेशन, नैक्रियस तो इरिडिसेंट, डेसीमेट तो रेक, ओबलेट तो मेंडिकेंट, ओबलेट मतलब मेंडिकेंट, एनिग्मैटिक पहेली, मिस्टीरियस, पजल, कोलोलिक्यूल, कन्वर्सेशनल, ब्लास्ट तो ब्लो अप, कंसील तो हाइड, बैंक्रप्ट दिवालिया इंसॉल्वेंट, सम्प्टुअस लैविश, देखिए म्यूजिक इज ए थेरेपी फॉर एवरी वन, प्लांट्स बर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग टू फ्लरिश एंड रेजुविनेट, मतलब क्या करना, फिर से जवान बना देना, रिफ्रेशन करना, जैक मेट विथ एंड डेडली एक्सीडेंट, डेडली मतलब फैटल घातक, द पेरल्स प्रोड्यूस इन द ओयस्टर फॉर्म हैव लॉस्ट ऑल देयर लस्टर्स, लस्टर मतलब साइन, द कंट्री हैज एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ मिनरल, अबंडेंट मतलब एम्पल, प्रचुर सफिशियंट, ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूज टू डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू द पेशेंट नसल ऑफ ऑफराइस मतलब ओपनिंग, आइडियल तो एक्सलेंट, ड्रॉसी निंद्रा स्लीपी लेथार्जिक, अल्टीमेटली टर्नड आउट टू बी ए फेयर डिसीजन, फेयर मतलब अनवायस्ड बिना पक्ष पर निष्पक्ष, प्रोक्योर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्टेन, प्रोक्योर मतलब ऑप्टेन प्राप्त करना, फूड एंड फ्यूल,
फॉर डेली नेसेसिटी फॉर पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन द वर्ल्ड। कन्विक्शन मतलब बिलीफ, मान्यता। द फिल्म वॉज ए फनी ह्यूमरस अडेप्टेशन ऑफ एन ओल्ड क्लासिक। द ह्यूमरस डेपिसेशन वॉज वेल रिसीव्ड बाई द ऑडियंस। ही एंड हिज फैमिली मेम्बर लिव इन प्रॉस्पेरिटी मतलब रिचनेस, संपन्न। अगला, द बेनोवेलेंट लेडी डोनेटेड हर एस्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटी। बेनोवेलेंट मतलब उदार, ग्रेसियस। कॉम्पैक्ट तो डेंस, घनी आबादी। एक्साइटिंग तो इलेक्ट्रीफाइंग, एक्साइटिंग मतलब इलेक्ट्रीफाइंग। कॉन्कर तो विजय होना, डिफीट करना, हराना। ओमनीप्रेजेंट तो यूनिवर्सल। डिसहोनेस्ट पीपल ऑलवेज डिसीव तो चीट अदर्स। ऑकवर्ड तो अनस्किलफुल। कंसियंट मतलब कॉन्स्टेंट। मतलब पैम्पर, माई मदर से डोंट कॉडल पैम्पर। कॉडल मतलब लाड़ प्यार द किड, ही विल गेट अ स्पॉइल्ड। अर्न तो रिसीव। एसाबल लिसेंड विथ एक्सट्रीम रिस्पेक्ट टू हिज एडमोनिशन। काउंसल सीओ यूएनएसएल काउंसल। ऑस्पिशियस सो फॉर्चुनेट। ही हैड क्रिएटेड ए कंसर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कंजर्वेशन इंट्रैक्शन अफेक्शन एंड इट फील्ड इस लाइफ लाइक एन ओवरफ्लोइंग सूप बॉल। तो ही हैड क्रिएटेड अ कोकन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एनकैशमेंट ENCASEMENT। डैजलिंग मतलब ब्रिलियंट। इल्स बिनू लैंड्स प्रोड्यूस, इल्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ बीट एंड जर्म ग्राम्स। द मैनेजर वुड लाइक टू टॉक टू द टीम मेंबर अबाउट एन इम्पोर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट इश्यू इमिडिएटली। ऑस्टर माई अंकल सेड थिंक अबाउट ए मॉन्क हु लिव्स इन ए स्ट्रिक्ट लाइफ। ऑस्ट्रियल तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगला, अघास्ट मतलब हॉरिफाइड, डराना, भयवाह। तो वन शुड एंजॉय लिबर्टी फ्रीडम विथ ड्यूटीज इन माइंड। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट प्रिपरेटेड डिस्टर्ब नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ वट इंस्टेंट सर्व्ड मी विथ हिज ऑन हैंड एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। दिस बॉडीगार्ड वॉज लाइक ए फायर वॉल मतलब बुलवार्क फॉर द लीडर। बेनिफिट मतलब एडवांटेज। कॉन्टेजियस मतलब ट्रांसमिशन, क्या करना, ट्रांसमिशन करना, संचार करना। इंस्टेंट ऑफ स्टडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन हेलेन अक्वायर्ड ऑब्टेन लैंग्वेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड हैबिट। कंज्यूमिंग ऑफिस एवरीडे कॉफी एवरीडे कैन हैव एडवर्स नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट ऑन वनसेल्फ। डॉज मतलब चीट करना, ड्यूप मतलब धोखा देना। देर वॉज ए पल्पेबल टेंशन इन द नेगोशिएशन रूप, पल्पेबल और डिटेक्टेबल टेंशन इन द नेगोशिएशन रूप। मैनिफेस्ट मतलब अपेरेंट, अपेरेंट। नो वन कैन एक्सटर्मिनेट पॉवर्टी फ्रॉम दिस वर्ल्ड इराडिकेट। अगला, बी हैड टू मूव स्लोली थ्रू द नैरो एले क्रैम्प्ड। नैरो क्रैम्प्ड, नैरो के लिए क्रैम्प्ड। टिमिड तो फियरफुल। द सोल्जियर एक्सहिबिटेड देयर करेज, करेज मतलब वैलोर, ब्रेव। कैलेंट्री बहादुर। अगला, प्राइसिंग ऑफ फ्यूल इज डिक्लाइनिंग मतलब डिक्रीजिंग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।